मुझे वो तीनों ड्राफ्ट रेडी चाहिए जी। और वो जो 4 बजे की मीटिंग है उसके लिए सबको बोल दिया है ना जी। द मीटिंग हैज टू हैपन बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। मैंने तुम्हें कहीं देखा है? नहीं देखा है सेठ जी, मैं बोल रहा हूँ ना, आपको देखा होता तो मैं आपको बोल देता। नहीं देखा है, नहीं देखा है, मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं देखा है सेठ जी, मैं बोल रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ, आपने मुझे देखा होता तो मैं आपको बोल देता। नहीं देखा है सेठ जी, नहीं देखा। देखा बोल रहा है मैं क्या? राजा जी की ससुर। काका काका काका, देखिए कौन आए, आपके समझिए समझन आए। अरे नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी। अरे आप इस गरीब के घर पधारे, बड़ी मेहरबानी हुई आपकी। अरे तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जा जाकर पायल से कह कि उसके सास और ससुर जाएं, चबाक जल्दी। जी साहब। जी एक बात पूछूं? जरूर पूछिए। बुरा मत मानिएगा, ये आप ही राजा के ससुर हैं? जी हाँ, आपको कोई शक हो रहा है? तो फिर आप ये घास क्यों काट रहे थे? वो तो मेरा पुश्तैनी काम है। पुश्तैनी काम? लीजिए समझ लीजिए, आपकी बहू भी आ गई, आइए आइए। नमस्ते माँ जी। खुशी रहो, सदा सुहागन रहो। अरे नमस्ते बाबू जी। जीते रहे बेटी, जीते रहे। अरे बेटा तू तो काला टीका लगाया कर, कहीं तुझे किसी की नजर न लगे। देखिए जी, आप तो हमेशा मेरे बेटे को निकम्मा नालायक कहते थे, लेकिन उसने एक ही काम जिंदगी में ऐसा किया है जिससे उसके सारे ऐब धुल गए। हमारे लिए चांद सी बहू जो ले आया है वो। बेटी मुझे अपना ससुर नहीं अपना बाप समझना, और मुझसे वही लाड मांगना है जो कि बेटी अपने बाप से मांगती है। और बेटी मैं थोड़ा सनकी हूँ, कभी कोई गड़बड़ करूँ तो संभाल लिया करना। हाजी इससे सिर्फ आप बातें ही करते रहेंगे या जो तोहफा लेकर आए हैं वो भी देंगे? अरे ऐसी बहू मिली है कि जी करता है पहले दिन ही दिल की किताब इसके सामने खोल के रख दूंगा। ले बेटी ले। अजी भाई साहब हमारा बेटा कहाँ है? अंदर है ना भाई जी, आइए। राजा? हाँ हाँ जीजा जी। बाबू जी कैसे आ गए? माँ। राजा जी मेरा चांद। जी जी बाबू जी। कैसे हो भैया? जीजा जी तू वहां से तो बड़ी बड़ाइयां मार कर आया था कि मैं करोड़पति की बेटी से शादी करूंगा, यहाँ के झाड़ू मार रहा है? हाँ? ये पूछा मार रहा है ये क्या? बाबूजी मैं तो आप ही के कहने पर अमल कर रहा हूँ ना। मेरे कहने पर? मैंने तो इससे कहा था झाड़ू मारने के लिए। हाँ तो आपने तो कहा था कि अपने घर का काम खुद करना चाहिए, और आप मेरे ससुर जी को देखिए ना कितने बड़े आदमी, मगर बाहर देखिए कैसे घास काट रहे हैं। जी जी अब आए हो तो 2-4 घंटे तो इधर रहोगे ना? 2-4 घंटे क्यों, हम हफ्ता रुक के जाएंगे पूरा। हा? जी जी ऐसा करते हैं हम ना, आपके रहने का इंतजाम पीछे गेस्ट हाउस में कर देते हैं। इतना अच्छा घर छोड़ के मैं गेस्ट हाउस में रहूंगी? ओ जी जी आप रह नहीं सकती हो ना यहाँ पर, यहाँ पर है ना पेस्ट कंट्रोल चल रहा है। काहे का कंट्रोल? वो शहर में ना कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं, तो उनको मारने के लिए ना दवा छिड़कनी पड़ती है, 2-3 दिन के लिए घर बंद रखना पड़ता है, और लोगों को है ना गेस्ट हाउस में रहना पड़ता है, तो हमें ना सारे वहीं पे एक साथ इकट्ठे रहेंगे। हम लोग सब इकट्ठा रहेंगे वहीं। अरे फिक्र मत कर बेटा, हम लोग तुझसे थोड़ी मिलने आए थे, हम तो बहू से मिलने आए थे, उसको आशीर्वाद देने आए थे, उसे मिल लिए आशीर्वाद दे दिया, हमारा काम हो गया, अब यारों की क्या करेंगे, शाम वाली गाड़ी से चले जाएंगे। हाँ। अरे भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अभी तक आपने हमें सेवा का मौका भी नहीं दिया और आप जाने की बात कर रहे हैं। भाई साहब क्या है, ये अपने बेटे से मिलने की जिद कर रही थी, वरना फुर्सत है ही नहीं, फसल पक के तैयार खड़ी, एक दिन भी देर की तो सारी फसल खराब हो जाएगी, फिर अपने घर की बात है फिर आ जाएंगे। ये भी ठीक है, तब ऐसा कीजिए 2 महीने बाद हमारी बेटी सोनिया की सगाई है, तब आप जरूर आइएगा। जी सोनिया कौन है? बाबूजी मेरी साली समझिए ना। तू तो कह रहा था कि पायलिन की इकलौती बेटी है, तो फिर उसकी बहन कहाँ से आई? तो मैंने कब कहा कि सगी बहन है, मगर सगों से भी सगी है इसलिए उसकी सगाई है। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। अरे इसका काम तो हो गया, पर मैं तो अपना सेहरा लेके अभी तक
भटक रहा हूँ? कोई है क्या? कहाँ है शादी लाल की शादी के लिए? सिद्धांत
हाँ मुंह चुपाते जा रहे हो लखपति सेठ? आपको बोल रहा हूँ भाई साहब। तेरे से कह रहा हूँ, तेरे से कह रहे हो लौटने की बात।